टोयोटा की हाई राइडर आ गई है। इस खास बात यह है कि इसमें प्लग इन प्ले सिस्टम लग रहा है, वेरी रिफाइंड कंपोनेंट्स। मेरे कहने पे एक बारी ये वाला सेटअप बना लेना जिसको वूफर नहीं सुनना। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप सब सारे? तो यस, ये वीडियो भी मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ, सेम डे जिस दिन मैंने XUV 500 की शूट करी थी। तो गाइस बात कुछ ऐसी है कि मेरे पास हाई राइडर आई है काम होने, कुछ अच्छा सेटअप मेरे टेस्ट का लग रहा, तो मैं चाह रहा था आप लोगों से सबसे शेयर करूँ। तो अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम इसमें लगा रहे हैं दो पेयर कंपोनेंट, टूलर डैम्पिंग कर रहे हैं, सोनी का स्टीरियो लगा रहा हूँ साथ में 3200 मॉडल, और मैं इसमें लगा रहा हूँ एक रिवर्स कैमरा जो आपको दिखाने वाला नहीं है, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। और अभी हम इसमें एम्पलीफिकेशन नहीं डाल रहे, पूरा प्लग इन प्ले सेटअप है, क्योंकि वो कह रहे भैया मैं स्टेप बाय स्टेप काम करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे को बजट भी थोड़ा सा रखना है माइंड में और स्टेजेस वाइज काम कराना है। तो अभी हम अच्छा उसमें सारा सेटअप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो गाड़ी में काम होना शुरू हो गया क्योंकि मैं XUV 500 में ऑलरेडी सेटिंग कर रहा हूँ, जिसकी आपने पहले वीडियो देख ली होगी मेरी। मैं आपको हाई राइडर में भी लेके चलता हूँ, तो मैं आपको दिखाया था उसमें क्या काम हो चुका है, कैसे हो चुका है, सब चीज आपको पूरी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हाई राइडर में टूलर डैम्पिंग कर दी है, आप फिनिशिंग देख सकते हो कितने नीट एंड क्लीन वर्क से काम करा हुआ है, एक एक चीज एक्यूरेट बिल्कुल फिटमेंट हुई हुई है। सो गाइज, आपको मैंने बता दिया था कि हाई राइडर के अंदर मैं अच्छा एक प्रॉपर सेटअप बनाया है, क्या सेटअप बनाया मैं वो आपको दिखाया था। अब आपकी आपकी सामान देखने की बारी। तो गाइज इसमें मैं लगा रहा हूँ C165 दो पेयर कॉम्पोनेंट, अभी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा दूंगा। एक साथ में लगा रहा हूँ सोनी का AX3200 मॉडल नंबर स्टीरियो। तो गाइस खास बात यह है कि इसमें प्लग इन प्ले सिस्टम लग रहा है विद टू लेयर डैम्पिंग, CTK की प्रोफेशनल लेमन सीरीज यूज कर रहे हैं। तो ऑलरेडी जिनको इन्होंने रेकमेंड किया वो मेरे पुराने कस्टमर थे, उन्होंने इनको रेकमेंड करा तो डायरेक्टली सीधा मेरे को बिना कॉल करे काम कराने आ गए थे। तो मैंने इनका एक सेटअप बना दिया है, वूफर और एम्पलीफायर फ्यूचर में अपग्रेड करेंगे, तो वो तो मैं अभी नहीं दिखा पाऊंगा आपको, क्योंकि पता नहीं वो कब उनका बजट बनेगा और कब आएंगे मेरे पास। तो अभी फिलहाल आपको स्पीकर्स की मैं अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ, मर्करी की। तो हमारे मर्करी के अंदर C165 में दो आती है मिड ड्राइवर्स, मिड रेंज, और दो क्रॉसओवर हैं, दो ट्वीटर्स हैं। और अगेन अगर मैं इसकी आउटपुट की बात करूं, वेरी रिफाइंड मर्करी, देखो हमेशा मैं ये बोलता हूं मर्करी इज वेरी रिफाइंड कंपोनेंट्स, बहुत अच्छा ब्रांड है, प्रीमियम क्वालिटी का ब्रांड है, बिल्ड क्वालिटी इज वेरी नाइस, जो प्रोडक्ट के अंदर अपना जो मटेरियल यूज करते हैं वो बहुत प्रीमियम यूज करते हैं। और आउटपुट जब आएगी वो मैं आपको गाड़ी में ही सुना पाऊंगा, क्योंकि अभी सारा काम चल रहा है, जैसे जैसे फिटिंग होती रहेगी, डैम्पिंग का पार्ट शुरू हो चुका है गाड़ी में, डैम्पिंग कंप्लीट हो गई है, तो जैसे ही स्पीकर फिट हो जाएंगे, ट्विटर कहाँ प्लेस कर रहा हूँ, कैसे प्लेस कर रहा हूँ, तो वो सब आपको दिखा दूंगा। तो उसके लिए अब थोड़ा सा वेट करो, जैसे ही काम होता है फिर चलेंगे गाड़ी के अंदर। डोर्स में हमारे कॉम्पोनेंट फिट हो गए हैं रेन गार्ड के साथ, नीट एंड क्लीन वायरिंग अंडरग्राउंड पूरी कर दी है, ये रहा हमारा क्रॉस ओवर, सोनी का स्टीरियो भी आ चुका है उसमें पूरा प्रॉपर लग चुका है, वो रहा कॉम्पोनेंट हमारा दूसरे डोर का, पीछे काम चल रहा है अभी, और मौसम का समझ नहीं आ रहा, कभी बारिश हो रही है तो कभी धूप निकल रही है, सिस्टम बड़ा ख़राब हो गया है। तो जैसे जैसे फिटमेंट होती रहेगी सारा आपको दिखा देंगे। एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, आगे के ट्विटर देखो ब्यूटीफुली प्लेस कर दी है बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क के साथ। सो गाइस भैया की हाई राइडर भी हो गई है तैयार, और उनको अभी जस्ट मैंने उतारा है आउटपुट सुना के, और अब आपकी बारी आउटपुट सुनी। देखो इसमें सब ऊपर नहीं लगा हुआ, बट लिटरली बता रहा हूँ गाइस, मतलब किसी का अगर मन होता है ना कि भैया एक अच्छा स्टीरियो और चार कॉम्पोनेंट प्लग इन प्ले में डाल दो, मेरे कहने पे एक बारी ये वाला सेटअप बना लेना जिसको वूफर नहीं सुनना, ही विल गो क्रेजी, मतलब लिटरली बता रहा हूँ। ऐसी मिड बास आ रही है, प्योर लो बेस, मीठी बेस, मतलब अगर मेरे को कभी वैसे तो देखो मैं तो वूफर के बिना गाड़ी सुनता ही नहीं और मुझे तो क्लाउड बेस ही पसंद है, बट यार क्या फैमिली आउटपुट बनी है, मतलब लिटरली अगर किसी को इन कैबिन और अपने शौक हो ना सुनने का, तो एक बारी मेरे कहने पे एक अच्छा स्टीरियो और चार कॉम्पोनेंट प्लग इन प्ले वाला, जैसे मैंने इसमें मर्करी रेकमेंड करे हैं और एरीज भी रेकमेंड करता हूँ मैं इसके साथ, बहुत बढ़िया आउटपुट बनी है। एक बारी आप सुनो, हेडफोन्स लगा के सुनना, क्योंकि आपको तभी पता लगेगा कि इसमें एक्चुअल आउटपुट क्या आ रही है, और मुझे कमेंट करके बताना कि वूफर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, चलो ये भी करके बताओ मैं। सो गाइस आपको आउटपुट सुनाने लगा हूँ, तो एक बारी गौर फरमाइए।
सो गाइस आपने आउटपुट सुन लिया है, बहुत बढ़िया आउटपुट यार। मतलब मैं सच्ची बता रहा हूँ, देखो मैंने ना इसका प्रॉपर एक पंजाबी सॉन्ग में भी रिकॉर्ड कर लिया आपको सुनाने के लिए। तो आप उसको पता है, वो आपको पता है कहाँ पे मिलेगा, मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टाग्राम सब आ रहा है यहाँ पे, फटाफट से जाके इसे फॉलो कर लो वहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले कंटेंट वहीं डलता है। ध्यान रखना यूट्यूब पे वीडियो लेट आती है। तो भाई इसमें कोई मेजर सेटअप नहीं था आपको, बट हाँ थोड़ा डिफरेंट था तो मेरे को बनता था आपको दिखाना। प्लस हाईलाइटर था, मैंने पहले भी हाईलाइटर में लगाए बट बहुत बेसिक काम करे थे। ये समथिंग क्वालिटी वर्क था जो मुझे लगता था कि आपको दिखाना जरूरी है, तो मैंने हाईलाइटर की भी वीडियो डाल दी है गाइज। तो कमेंट करके बताना कैसी लगी, और बहुत सारा प्यार दिखा दो वीडियो पे, लाइक शेयर और कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। शामिल भी होएगा निजी दे विच वैल कोई ना।